हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है बजाज फिनसर्व के कस्टमर्स के लिए। शुभ नवरात्रि के जो वोचर्स हैं दोस्तों बजाज फिनसर्व ने लॉन्च कर दिए हैं। इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे आपको वोचर्स मिलेंगे, आपको कौन कौन सा जो कैशबैक है वो आपको मिलेगा, सारा इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे कस्टमर्स का जो वोचर्स है वो नहीं मिला था दोस्तों, और मैंने वीडियो लेट बनाई थी जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं अभी जो वीडियो है पहले बना रहा हूँ। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं ये वोचर्स तो इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको परचेज करना है और कैसे आपको रिडीम करना है, पूरा इस वीडियो में डिटेल के साथ। और दोस्तों परचेज करने के बाद जब आप एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं तो आपको एक डीओ लेटर दिया जाता है, वहाँ पे आपको सारा का सारा डिटेल में बताया जाता है कि आपका जो पैसा कटा है, जो आपका अमाउंट कटा है वोचर्स का, वो वहीं पे लिखा होता है, वो आपको लेना ज़रूरी है। जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, डीओ लेटर लेना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, शुभ नवरात्रि के जो वोचर्स हैं वो आपको बजाज फिनसर्व ने दिए जाते हैं। और देखिए ट्रांजेक्शन आईडी भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, ट्रांजेक्शन मतलब कि जो टाइम पीरियड है केस करवाने का वो है 16 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2020 तक। तो इसके अंदर अंदर जो परचेज करेगा, प्रोडक्ट परचेज करेगा, उन्हीं को ये वोचर्स मिलेंगे। और फुलफिलमेंट जो है 1 मार्च 2021 तक आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको सबको वोचर्स आ जाएगा। और रिडीम करने का जो टाइम है वो 1 मार्च 2021 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक आपको मिलेगा टाइम, इसके बाद आपके जो वोचर्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे और आप एक्सटेंड भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं बार बार बताऊंगा कि जब आप परचेज करना चाहते हैं ये वोचर्स तो आपको रिडीम करना भी मैं ही बताऊँगा, और आपको क्या करना है वो सारा इस वीडियो में बताऊँगा। और कस्टमर एग्जीक्यूटिव से आपको डीओ लेटर, डिलीवरी ऑर्डर लेटर लेना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ लिखी होती है। तो देखिए दोस्तों, डीलर कंट्रीब्यूशन लिखा है यहाँ पे, डीलर कंट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों, ये आपको आपको ही देना पड़ेगा, कस्टमर कंट्रीब्यूशन है। देखिए दोस्तों, टिकट साइज़ के हिसाब से आपको जो वोचर्स है, कैशबैक है, वो मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 15,000 से 20,000 का जो प्रोडक्ट होगा उसमें आपको बाय करना पड़ेगा 450 से, और आपको जो डीलर वोचर्स मिलेगा, डीलर वोचर 500 का रहेगा, मोबाइल का जो रिचार्ज है वो भी 500 का रहेगा, डीटीएच रिचार्ज है वो भी 500 का रहेगा, और कैशबैक जो वोचर्स है वो भी 500 का रहेगा। इसमें आपको टोटल मिला के 2000 का टोटल वोचर्स जो है वैल्यू है वो आपको मिलेगी। तो दूसरा जो है 550, इसमें आपको टिकट साइज़ रहेगा 20 से 25,000 रुपया, मतलब कि 20 से 25,000 का अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा आपको सिर्फ देना पड़ेगा 550 रुपये, जिसमें आपको डीलर वोचर्स मिलेगा 1,000 रुपये का। और रिडीम करना भी मैं ही बता दूंगा कैसे रिडीम करना है दोस्तों। और मोबाइल रिचार्ज इसमें 500 का मिलेगा, डीटीएच रिचार्ज है इसमें 500 मिलेगा, और कैशबैक जो वोचर्स है वो उसमें भी आपको 500 मिलेगा, मतलब कि ये टोटल और टोटल 2500 का बन जाता है। और तीसरा जो है वो 25,000 से लेकर 30,000 के करीब करीब रहेगा। अगर इसमें आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे कि आप मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, एलईडी ले रहे हैं, ये सब में एप्लीकेबल हैं, और उसमें आपको 1,000 रुपये का डीलर वाउचर मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज 1,000 रुपये का है, डीटीएच रिचार्ज 500 का, और कैशबैक जो वाउचर्स हैं वो 500 का है, मतलब कि करीब करीब 3,000 रुपये आपको कैशबैक आएगा। ऐसे ही दोस्तों इसमें बताया गया है 750 भी दिया जाता है, 850 भी दिया जाता है, और 1,000, और लास्ट जो है 1,500 है। 1,500 अगर 80,000 रुपये की कोई एलईडी लेता है, जहाँ फ्रिज लेता है, कुछ भी लेता है, परचेज करता है बजाज फिनसर्व की तरफ से, डीलर जो वोचर है वो उनको मिलेगा 2,000 रुपये का, मोबाइल रिचार्ज जो है वो उनको मिलेगा 2,000 रुपये का, डीटीएच रिचार्ज वो भी 2,000 रुपये का, कैशबैक वोचर्स जो हैं वो भी उनको 2,000 रुपये मिलेगा, और लास्ट जो उनका जो अमाउंट बनता है, टोटल बनता है, वो है 8,000 रुपया। ये आपके वोचर्स हैं, रिडीम कैसे करने हैं वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। और देखिए सबसे मेन बात क्या है कि अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आपको मैसेज करना नहीं आता, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो मैसेज नहीं करवाता और आपके वोचर्स नहीं आते, मेन प्रॉब्लम ये भी है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें जो वाउचर्स हैं, जो ये पर्टिकुलर वाउचर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें क्या लिखना है, उत्सव लिखना है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और SMS करना है 8424009661। इस पर आपको मैसेज कर देना है तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको परचेज करने के बाद करना है, पहले नहीं करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपको 3 EMI क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, आपकी कोई भी EMI बाउंस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी EMI बाउंस होगी तो आपको वाउचर्स नहीं दिए जाएंगे। और तीसरा पॉइंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। और जो फोर्थ पॉइंट है, अगर आपका EMI कार्ड ब्लॉक होता है, जहां आपका EMI कार्ड बंद है, डीएक्टिवेट है, तो भी आपको ये एलिजिबल नहीं होंगे। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि आप दो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, दो प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिए, तो उसके बाद भी अगर आप एक पे आपको वाउचर्स मिलेगा और दूसरे पे आपको वाउचर्स नहीं मिलेगा, इसमें ये लिखा गया है। और सिक्स पॉइंट जो है वो उसमें लिखा है कि अगर आपके वाउचर्स रिडीम करने से के जैसे आपको वाउचर्स मिलते हैं, आप रिडीम करने के टाइम पे नहीं कर पाते रिडीम, आइए आपको एक्सपायर हो जाएंगे। और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ही आपने ये रिडीम करने हैं। और दोस्तों मैं आपको ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, इस पर ये है डीओ लेटर। डीओ लेटर पर क्या होता है कि आपको वाउचर्स दिखाया जाता है कि आपका जो कैशबैक जो वाउचर्स है वो आपका उतना पैसा कटा है, पूरा का पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ये नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे दे दिए और बोल दिया कि हाँ आपके वाउचर्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। थैंक यू।